हाँ भाई बोलो। दीदी इनसे कितनी दूर हो? कहाँ से आए हो? मैं उन्ना से आई हूँ। बता तो इससे पहले और कहाँ जाती थी? गई माँ, कई जगह गई। तेरे कपड़े वपड़े भी कटे हुए हैं क्या? कुछ पता नहीं नाम मुझे इस चीज़ का, बस काफी सालों से रहती हूँ। नाम क्या है? तेल तो लाई नहीं होगी? तेल लाई नहीं। कहाँ से? ऊना से ही लाई है। नाम क्या है तेरा? ममता। तेरे पति का नाम? रामधन। और तेरे ससुर का नाम? मांगेराम। उल्टे सीधे सपने भी आते हैं क्या? हाँ। सपनों में कपड़े वपड़े भी खराब होते हैं क्या? हाँ। सफेद पानी की भी शिकायत है? हाँ। चौराहे पे पैर आ रखा भाई इसका। और जो शक्ति वगैरह पहले बाबूजी में जो चौराहे पे पैर आ रखा है उस चीज को हटाऊंगी, बाकी काम मैं उसके बाद करूंगी। ये ले, शक्ति है वैसे तेरे। चलो आगे आओ भाई, जल्दी जल्दी आओ भाई फटाफट। हाँ जी, कहाँ से आए हम? सोनीपत से। हाँ बोल बोल। बाबूजी माँ भगवती का तो असर है तेरे साथ, लेकिन साथ में संकट भी है तेरे साथ। जब शक्ति कोई आती है ना तो शरीर शुद्ध हो जाता है, और जब शुद्ध हो जाता है तो जो उल्टी सीधी चीजें होती हैं उन्हें शुद्ध शरीर की ही जरूरत होती है। उनको लगता है माँ के साथ हम चलेंगे तो हमें भी भोग मिलेगा, और हमें भोग मिलेगा तो हमारी शक्तियाँ ऊंची हो जाएंगी। ठीक है, तो फिर बाबूजी माँ भगवती अपने साथ अपने सेवादारों को भी ले लेती है, और पहले उन्हीं को आगे करती है कि माँ क्या चाहती है, पहले मेरे बच्चों का पेट भरे, यही चाहती है ना। तो बाबूजी संकट है साथ में, शक्ति है तेरे साथ, लेकिन साथ में माँ के सेवादार चल रहे हैं, और सेवादार में है बाबूजी जो ऊपरी प्राय होती है भूत प्रेत, जिसे हमारी भाषा में कहा जाता है, वो कटेगी तब माँ शुद्ध होगी, तब शक्ति चलेगी, तब आगे घर का भी बताएगी और तेरी तबीयत भी ठीक रहेगी। गुरु तो बाद में बनेंगे बेटा जी। मैं बाबू जी पहले तो संकट कटेंगे बाबू, उसके बाद माँ आएगी। ये फोन मेरे को दे देना। अच्छा हाँ, तो बाबूजी पहले तो एक संकट कटेंगे। अगर आप शक्ति नहीं भी लेना चाहते कोई बात नहीं मत लो, लेकिन फिर ये जो भूत प्रेत साथ लग गए ये तो कटवाने पड़ेंगे ना। ठीक है, और ये चीजें बाबूजी शक्तियों के साथ ही लगती हैं। गुरु कौन था पहले? हाँ बाबू गड़बड़ है, इसकी भी है गड़बड़। ले बाबू जी चलो, हर हर महादेव, आराम हो जाएगा, जो बता रही हूँ वो करो। आगे नहीं इसके नहीं हो रहे। हाँ कहाँ से आई है? मैं पलड़े से आई हूँ। पहली बार आई है? पहली बार आई हूँ। तो संकट कट रहे हैं तेरे? पैर पकड़ पड़ से आवाज़। यहाँ आज यहाँ से इलाज क्या चल रहा है? गोड़ा हुआ था ना? हाँ तो फिर तीन गोड़े तो कर ले। नहीं माँ इनके गोड़े नहीं होते, मैं बताती हूँ। वो पान और सिगरेट बताई थी, उसकी कमर में दर्द रहता था, तो मसानी बताई थी माने, ये पान लिया चढ़वा के बताया था, उसी चीज को दोबारा लेके आई। नहीं नहीं सुपर भी चढ़ा दी, राज भी चढ़ा दी। ठीक है, आराम है तेरे? आराम है। अब तेरे क्या जो चीजें तेरे को परेशान कर रही हैं? नाम बोल, नाम बोल। रानी। तेरे पति का नाम? और तेरे ससुर का नाम? मसानी है भाई, ये मनानी पड़ेगी, कोई भूत प्रेत ना है, मसानी ही चौराहा जगा देती है। आई बात समझे? मनवाओ भाई इसकी मसानी। कोई बात ना, जो बताया है उससे करवाओ, इसका चौराहे का। कमर दर्द हो जाती है? हाँ मसानी है बेटा, वो मनानी पड़ेगी। तुम्हारी कुल देवी है क्या वो? मनसा वाली है? हाँ। चौराहे वाली उसके साथ चलती है। हाँ। शीतला मसानी। आओ भाई अग्नि आओ। हाँ बाबू। हाँ गुरु कौन है तेरा? हाँ तो गुरु ही होते हैं वो, और क्या होते हैं वो? वो अलग होते हैं, आध्यात्मिक गुरु जो निरंकारी हैं वो भी तो गुरु ही हुए बेटा। हाँ नाम बता तेरा। तेरे पति का नाम? सुलिंदर। तेरे ससुर का नाम? ओम प्रकाश।
शक्तियाँ बंधी हुई हैं बेटा जी। मैं पहले एक जगह गई थी मजूर, उन्होंने मतलब वहाँ पे बैठे थे तो मतलब हाजिरी हुई थी, तो एक में तो जो उन्होंने बताया कि किसी ने कुछ किया है। शक्तियाँ हैं तेरी और शुद्ध शक्तियाँ हैं। बहुत उल्टा सीधा बोला उनका नाम लेके, जिन्होंने कुछ किया है उनको लेके बहुत बोला। शक्तियाँ हैं, शुद्ध शक्तियाँ हैं, शक्ति बंधी हुई है तेरी, खुलवानी है तो खुल जाएंगी, नहीं तो अपने पूजा पाठ में ध्यान दे, इधर उधर की बातों में कम ध्यान लगाया कर। अभी क्या करना है, शक्तियाँ खोलनी है पहले, हुआ छोड़, आज शक्तियाँ बता रही हूँ ठीक है। हाँ पितर होंगे बेटा तेरे, वो पितरों का अभी आएगा तो कुछ बताऊंगी, अभी ऐसा कुछ करना नहीं है। और सात्विक चला नहीं, तेरे दारू चढ़ती है ना तुम्हारे यहाँ। हाँ क्योंकि मेरे को अंडे कलेजी, अंडे कलेजी दिखाई है ना मुझे इसीलिए। हाँ चलो बाबू आ भैया जा जाओ। मतलब जिसमें मैं चाह रहा हूँ उसमें नहीं हो पा रहा, बाकी नौकरी को खराब है। अच्छा तुझे किसमें चाहिए? माँ मुझे अगर इंडिया में रहना है तो ट्राइडेंट में, अदरवाइज मैं फॉरेन ही कंट्रीज में ट्राई कर रहा हूँ। तो फॉरेन में हो जाएगा क्यों नहीं होगा? माँ यहाँ पे आते टाइम मेरे को दो तीन ऑफर भी आए, मतलब अभी मैंने रात को रुका हुआ था, मैंने सीनियर के पास मैसेज किया तो उन्होंने कहा सीवी भेज दो, लेकिन माँ अटक जाते कहीं। ठीक है बाहर जाना है तो प्लेन बांध के चले जाना, हो जाएगा। प्लेन में अरदास मान जाना, हो जाएगा वो। और माँ को पीला चोला चढ़ाना ठीक है। हाँ उसका बता दीजिए क्योंकि एक बार ठीक तो नहीं, मेरे को एक दो बार हुआ है, एक तो ट्यूसडे वो शक्ति आई है। मां ट्यूसडे को शरीर कट रहा था कल, आज सुबह भी और अभी यहां पे भी हाथ। जब भैरव आते हैं, बजरंगबली, जब शमशान की चीज़ें आएंगी, जब शमशान के भैरव आएंगे, बावरी आएंगे, या माई के पहरेदार आएंगे, या पीर आएंगे, तो शरीर अकड़ के थोड़ा सा चीख के अकड़ में आते हैं वो। और शमशान वाला भैरव माँ से पीछे ही चलता है, लेकिन तब भी अकड़ के ही आता है क्योंकि वो शमशान का है। वीरवार को पेशी पे आ जाए एक बार। कहाँ से आया तू? तो आ जाएगा ना वीरवार को? आ जाऊंगा ठीक है। अभी स्टार्ट हो रहे हैं एग्जाम, उसके बाद जो भी जॉइनिंग होगी अगर माने चाहे तो। और मैं यहाँ पे एक कंपनी के इंतजार में मैंने पूरा साल निकाल दिया, मतलब जितनी भी कंपनियां हैं सब में मेरा हो रहा था, लेकिन मैंने नहीं ली। मेरे को जैसे ट्रेनिंग करके आया था वहाँ से भी ऑफर मिला था, वो भी मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे को एक मैंने पर्टिकुलर फिक्स करके तो उसी में जाना है, लेकिन मैं वो आई नहीं रही। वो आ जाए तो उसमें मतलब लीड के थ्रू भी बातचीत बन, अरदास लगा के जाना कर देती है हमारी तरह काम ले। और पेशी के लिए बुला लेना बच्चे को, आ जाए भैया। ऊपर आ जाए मेरी गोदी में, पर ओले मेरे ऊपर जोर बढ़ता है। हाँ बोल, पीछे हो जाओ। हाँ बोरी नहीं, बोरी हैं, बोरी को। हाँ बोरी तो उसने कहा कर इन्हें पुत्र ने ठीक करवा दिया, और उन्होंने कहा शीतला माता तो बीते नागरी लगाया, अब तो इनको काम लगा पुत्री घुमाएगा पुत्री नहीं सारी लेके आया, अब इन्हें कहा करो नंबर नहीं लगाना इसमें। अब जाकर तुम पहले का तो बुरी बात चले गए, इनने दारू की बुरी को बहुत झगड़ा कर टाइम साथ, और सबने नंद में भाग लिया, ये सब को हमें चित्त ले लेना। आगे राम भगत है काम के आत ना जाने पापा, अब तो चौड़े हुई तो खूब काम लगे ठेका चल रहे थे, मतलब अगर फिर उसके बाद हम जा लड़की दिखा देते क्या हो जाए नहीं जी या थकी आते रात में चले जाता मथा टेक के कोई बात ना बोलन दे, दुनिया कर रही है तुम अपने सिर पे क्यों लेते हो। इसके गोले हो गए थे क्या? गोले करवाए थे आपसे हो गए थे ना, लड़का भाग गया पता नहीं क्या करा दे। हाँ करवा दो इसका, एक शमशान में भी हो गया आ जाएगा ले। चलो आ गया भाई, बड़ा 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 शाबाश, अरदास लगाना कुलदेवी की। ये किसका है? ये उसी में लगा दो, ये बाद में काम आ जाता है, मेरे को मंगाना पड़ा था वो डब्बी। हाँ तो उसमें कुछ और डल जाएगा। हाँ कहाँ से है बेटा? भगत हो गया तुम? शक्ति किस पे? तेरे पे माँ आती है, उबासी आती हैं, आंसू भी आते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पूजा करते टाइम ज़्यादा उबासी आती है,
पूजा में बैठ के ऐसे मन होता है कि उठ जाऊं, नहीं तो शरीर टूटेगा। हाँ चल और बताओ, वैसे तुम्हारे घर में कोई भगत भी है? चलो हाँ बताओ, आप किस लिए आए हो, कहाँ से आए हो? अच्छा तेल लाए हो, नाम बोलो अपना। और तुम्हारे पति का नाम? शीलेंद्र। और तुम्हारे ससुर का नाम? बावरी पूछते हैं तुम्हारे यहाँ पर, केसरमल बावरी और ये पांच बावरी जो होते हैं वो पूछते हैं क्या तुम्हारे यहाँ? तुम्हारी कुलदेवी कौन है, कौन बिरादरी हो तुम? ब्राह्मण हो ना। बावरी आगे आके खड़े हुए हैं बाबू जी, ये कहते हैं हम चलते हैं इनके यहाँ पर। पुलिस की वर्दी में सपने वपने दिखते हैं क्या? पुलिस में हम थे तो जॉब छूट गया। वो कोई बात नहीं, सपने में खाकी वर्दी में कुछ या बंदूक बंदूक लेके दिखते हैं क्या? बावरी चल रहे हैं तुम्हारे यहाँ पे, बावरियों की 11 अरदास लगा देना 11 रुपए की। और तुम्हारे कुलदेवी देवता नहीं बना रखे हैं इसलिए तुम्हारे घर में अड़चन आ रही है, ना तो काम धंधा है, उल्टे सुलटे इल्जाम भी लगते हैं क्या? अभी लानी है वो नहीं लानी, दिखा बेटा का। अच्छा कोई बात ना, ठीक है करवा देती हूँ, अरदास लगा करके जाना। एक काम दो काम कर देती हूँ, पहले तुम्हारे तबियत पानी कर देती हूँ, और तुम्हारे काम धंधे का घर का कर देती हूँ, बरकत का कर देती हूँ, और इसका केस करवा देती हूँ। अगली बार जब आएगी तो फिर इसकी नौकरी का भी करा लेना। कर दिया मैंने, काम धंधे का बता देना, जो बच्चे बता देना, हाजिर बता देना, और अंग्यारी बता देना, अंग्यारी जो नहीं लिखवाई थी वो बताना। आगे भाई अगली बार आओ जी।